हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। गाइस, टाइम ऑफ स्टडी है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी हिसाब से रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी हिसाब से मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडियक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, सो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके? जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव थ्री ऑफ वाटर, पहला ही कार्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 3 आपसे रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है यूनियन का, आपके पर्सन आपसे आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में देखिए, ये तो मैं कहूँगी नहीं कि हाँ भाई परमानेंट यूनियन चाहते हैं, क्योंकि अभी एक कार्ड से तो मुझे यही दिखा है कि यूनियन तो डेफिनेटली चाहते हैं फॉर श्योर। अगर सम ऑफ यू, अगर आपका कोई बर्थडे आ रहा है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, कुछ अगर कोई स्पेशल डे अभी करीब है, तो आपके पर्सन वो डे आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और क्या इनकी करंट फीलिंग्स में? जय सियाराम। पहला कार्ड तो बहुत अच्छा है, मैसेंजर ऑफ फायर। ओहो, अच्छा, ये आपके साथ पता है यूनियन क्यों चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपको साइन क्लियर कर दूं, एरिस लियो सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, देखिए आप, ये आप हैं। एज अ क्वीन, एज अ किंग आपके पर्सन आपको व्यू कर रहे हैं। ये इंसान का कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके ऑरा से, आपकी पावर से। ये इंसान इतना अट्रैक्ट है ना कि आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा दिन लेंगे एक्शन लेने में, क्योंकि आपके पर्सन आपको एज एन एंजल देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपसे। नो मैटर आप कैसे दिख रहे हैं इस वक्त, चाहे सुबह से आपने मुंह ही ना धोया हो, लेकिन हाँ फिर भी आपके पर्सन तो पर्सन की नज़रों में इस वक्त तो आप मिस यूनिवर्स हैं, मिस्टर यूनिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन का व्यू आपको देखने का ऐसा ही है, एज अ स्टार वो आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट वो देख रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। और क्या है? जय सिया राम। नींद चुराई मेरी, किसने ओ सनम तूने। अरे फाइव ऑफ फायर, फायर ही फायर, आग लगा दी। मेरे व्यूवर्स, आप लोगों ने तो आग लगा दी स्टेज पे, स्टेज पे नहीं, आपने अपने पर्सन के मन में कहीं ना कहीं वो फायर अभी आपने जगा दी है, जो अभी तक आपके पर्सन सोए हुए थे, है ना, अभी थोड़े से ठंडे पड़े थे, मतलब ना एक्शन लेना। अभी इनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया आपको देख के, आपकी ब्यूटी को देख के, आपको स्पेशली आपको कॉन्फिडेंस देख के, इस इंसान में कॉन्फिडेंस आया है आपकी तरफ एक्शन लेने का। फाइव ऑफ फायर, नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लेट मी क्लियर फाइव ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए राम जी। दिल में मेरे रहने वाली कौन है? तू है। जस्टिस, हर्मेट, वन मोर कार्ड, फाइव ऑफ ओ एम जी, मेजर अर्काना के कार्ड। सो फाइव ऑफ फायर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये मुझे पास की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो रही है, इस इंसान को फील हो रहा है कि इस इंसान ने गलत किया। पास्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए आपके, अगर आपके अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं या फिर किसी आर्ग्यूमेंट के चलते आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, सो लास्ट टाइम आपको जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ अभी तक ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे थे, बट राइट नाउ इस इंसान को फील हो रहा है कि गलती आपके पर्सन की थी, कहीं ना कहीं इस इंसान से इनजस्टिस हुआ, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है, अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं, एहसास है कि इन्होंने इनसे कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं अपनी सोल के अंदर झांक के देख रहे हैं। दिस स्टार, मैंने कहा था ना स्टार का कार्ड भी आ गया, एज अ स्टार आपको व्यू कर रहे हैं, आप स्टार से कम नहीं हो, अब आप इनकी आंखों के तारे हो गए हो, अभी आप चमक रहे हो इनकी आंखों में।
और आपके पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आई है, अभी ये इंसान समझा है कि आप एक्चुअल में हो क्या। जय सिया राम। और क्या है, हमें तो पता ही है हम क्या हैं। किंग ऑफ वाटर, हे राम जी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आपकी ब्यूटी, हिलो मत, आप फायर हो। आपने आपका जो काम था आपने वो कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप जो चाहते थे आप वो कर गए हो, अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ आपने वो कर दिया जो कभी आप सोच रहे थे कि क्या क्या कभी मेरे पर्सन मेरे को लेकर सीरियस होंगे। आप जो सोच रहे थे वो हो चुका है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप पे टोटली फ्लैट हो गए हैं। आपके पर्सन बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके, जेन्युइन इमोशंस डेवलप हो रहे हैं इस इंसान के मन में आपको लेके। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, टू ऑफ वांड्स का कार्ड था, सो आप दोनों के बीच डिस्टेंस मान लीजिए, या फिर आप दोनों का जो अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ या फिर आप दोनों एक दूसरे सेपरेट हुए, ये जो दूरियां हैं इन दूरियों ने कहीं ना कहीं आपको तो जैसे निखारा है और आपके पर्सन के इमोशंस डेवलप हुए हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी कदर समझी है, आपके इन पर्सन को आप पर बहुत बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और वह इसको देख के मुझे सच में वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लगता वो सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है माधुरी दीक्षित पर, और माधुरी दीक्षित जैसे उनसे गुस्सा थोड़ा सा नाराज, वो कौन सा, अब तेरे दिल में हम आ गए तो, आपका लिटरली रिप्लाई है तो मैं क्या करूं। जब मैं पीछे थी, जब मैं चेज कर रही थी या मैं कर रहा था तब मेरी कदर नहीं की, तो अब क्या करूं। बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ फेस किया मैंने भी उस वक्त, तो समझे नहीं, अभी यूनियन चाहिए, अभी इमोशंस डेवलप हो रहे, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आ गया, आगे तो फीलिंग्स आनी थी पॉजिटिव, बहुत अच्छी फीलिंग है। वैसे ये सॉन्ग सुनिएगा ज़रूर, अब तेरे दिल में हम आ गए तो, जैसे आए हो वैसे जा भी सकते हो। हाय प्रिस्टियस, ओ माय गॉडनेस, आपकी एनर्जी इतनी हाई है ना गाइस, आपको खुद को नहीं पता। आपने अभी आप जो हो, पहले आप ऐसे नहीं थे, आपने इनोवा किया बहुत अच्छा, आप साइलेंट हो गए हो, आपने साइलेंस का महत्व समझ लिया है कि चुप रहने में कितना फायदा होता है। आपने अपनी फीलिंग्स को शो करना बंद कर दिया है, आप अपने काम पे फोकस हो गए हो, आप इनोवा कर रहे हो, यूनिवर्स से अलाइन हो गए हो, और कहीं ना कहीं जैसे आपकी ब्यूटी, बाहर की ब्यूटी नहीं आपकी सोल की ब्यूटी इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं इस वक्त ही आपको, मैंने कहा था ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड वो क्या था, ब्यूटी विद ब्रेन, राइट। अभी आप अपना दिमाग भी यूज करने लग गए हो, आपको पता है कब आपको क्या एक्शन लेना है, कहाँ छुपाना है, आपने समझ लिया है, और आपने ये भी समझ लिया कि अब आपको क्या करना है। आप क्लियर हो अपने माइंड में, एकदम से क्लियर हो, बट आप अपने पर्सन को कंफ्यूज किए बैठे हो क्योंकि आप साइलेंट हो गए हो। आपका चुप रहना, आपका खुद पे फोकस करना, खुद पर ध्यान देना इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगी आपके, सिर्फ मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है सच में गाइस, आज ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी बाहर की ब्यूटी इस इंसान को अट्रैक्ट पता है कैसे कर रही है, क्योंकि आपकी इनर ब्यूटी एनहेंस हुई है, बड़ी है, आपके अंदर की ब्यूटी, कहीं ना कहीं आपकी सोल प्योरीफाई हुई है, आपका ऑरा प्योरीफाई हुआ है, दैट्स वाई उस ब्यूटी से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऑरा से। अगेन मैं कह दूं, चाहे आप कैसे भी, चाहे आपके बाल बिखरे हो इस वक्त, आप कैसे भी हो, लेकिन आप अभी आपके पर्सन आपको एज एन एंजल देख रहे हैं, और एक लाइट हो आप, और लाइट की तरफ हर कोई आना चाहेगा अगर वो डार्कनेस में है तो। आपके पर्सन डार्कनेस में हो सकते हैं, दैट्स वाई वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस इंसान को लाइट चाहिए, इस इंसान को हीलिंग चाहिए। वन मोर कार्ड, जय सिया राम। क्वीन ऑफ एयर, ओके, अभी इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये मेरे व्यूवर ही हैं, कुछ ज़्यादा इंट्यूशन आपकी तो स्ट्रांग होगी या फिर कोई थर्ड पार्टी,
जय सिया राम राम जी, ये थर्ड पार्टी है या फिर क्या? ये जय सिया राम। दिल में मेरे बसने वाली कौन है? टिंग टिंग तू है। हाय नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। ये भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, ये भी आप ही की एनर्जी निकल के आई है। देखिए गाइस अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे मैटर नहीं करता आप इस एनर्जी में है या नहीं है, लेकिन आपकी पर्सन इस वक्त आपको ऐसी ही एनर्जी में व्यू कर रहे हैं। ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी आपने तो गाइस। मिस्टीरियस आप हो गए हो, ब्यूटिफुल आप हो गए हो, एक्शन ओरिएंटेड आप हो गए हो, क्लियर बोलना आपने सीख लिया, क्लियर कट बातें करते हो, घुमा के फिरा के नहीं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। और ये इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इतना अट्रैक्ट हो गया गाइस। सीरियसली मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी इस एनर्जी से, सच में। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आपने बाउंड्रीज क्रिएट की है और आपके पर्सन अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि अभी आप किस एनर्जी में हैं। आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आपने वो परमिशन देनी बंद कर दी अपने पर्सन को। पहले जब इनका मन होता था ये आ जाते थे और आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे, माफ करके, मुझे नहीं लगता इस बार आप ऐसे ही माफ करोगे इनको। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, एटलीस्ट क्लैरिटी तो बिल्कुल चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस आपकी, बहुत ब्यूटीफुल आई मस्ट से। हाँ यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये भी फील हो रहा है, जैसे ये मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी आपको फील हो गया था कि पॉजिटिव आपकी पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड है, नंबर 2 इंट्यूशन को बताता है। और यहाँ पे आपको ये आउल दिख रहा है, अरे ये आपके पर्सन नहीं है, ये आपके इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन बड़ी है, ये जो आउल है वो इसका इंडिकेशन दे रहा है। ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक माई व्यूअर। ओके अभी आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ मैसेजेस भी आपकी तारीफों से ही भरे होंगे, क्योंकि आज तो आपकी एनर्जी तारीफ के काबिल ही है। जय सिया राम। वैसे मैं तो आपकी रोज़ तारीफ करती हूँ, करती हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ती, अगर आपकी एनर्जी ऐसी आती है तो मैं आपको भी बोलती हूँ। ओके अभी मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, योर वॉइस इज माई फेवरेट नोटिफिकेशन या फेवरेट साउंड इन द वर्ल्ड। आपकी जो आवाज़ है वो इनको सबसे प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एक तो तारीफ का कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट नेक्स्ट, यू आर द ओनली वन एंड एवरीथिंग। इस वक्त जो कुछ है वो आप ही हैं इनकी लाइफ में। मक्खी आई है, सो मक्खी का सॉन्ग भी मुझे क्लिक हुआ है। अरे 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 अरे, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। ओह मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने? आपकी बाहरी ब्यूटी, आपके अंदर की ब्यूटी बहुत इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली आपके अंदर का ऑरा। वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती है, कब क्या होता है जब ये नजरें मिलती हैं। अरे 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 अरे, ओह और क्या है, जय सिया राम। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी। टेक माय हैंड, माय हार्ट, माय सोल, बिकॉज इट्स मीट फॉर यू। अभी तो सब कुछ आप ही का है, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके और आपको बोल रहे हैं इनका सब कुछ आप ही का है, क्योंकि आप इनके सब कुछ बन चुके हैं। जानबूझकर एक लड़की, ओके बाय द वे आई एम वेयरिंग द स्माइल यू गिव मी। अच्छा जी, ये जो मुस्कुरा रहे हैं, अपना गम नहीं छुपा रहे हैं, वो स्माइल है ये जो आपने कभी इनको दी थी। कभी क्या, अभी भी दे ही रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। लास्ट कार्ड भी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देखेंगे। डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू। अच्छा
क्या कैसे मतलब क्या देख के लगा कि हम हमें पेन हो रहा है? आपको बोल रहा है कि हमेशा आपके साथ है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा. नोबडी नोज मी बेटर देन यू. इनको आज तक किसी ने इतना नहीं समझा जितना आपने समझा है. यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी हमने, राइट? अगर नहीं समझते तो आपका ज़्यादा टाइम, आप कम से कम टाइम तो देते मेरे व्यूअर को समझाने में कि देखो ये बात ऐसे थी. लेकिन मेरे व्यूवर्स तो बिना इनके समझाए समझ जाते थे, बिना बोले ही समझ जाते थे. हाँ बाबू मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट मत लो, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत सीरियस हो मुझे लेके. कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया. अब इनको आदत पड़ गई, अभी आप चाहे इनको कितना भी बोलो ये नहीं बोलेंगे, ये ओपन अप नहीं होंगे. क्या करेंगे ओपन अप होंगे जब आपको सब कुछ पता है, राइट? ओके, एक सॉन्ग देख लेते हैं अभी. लेके प्रभु का नाम जय सिया राम. मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की तरफ से सॉन्ग करण के लिए. इस पर देखो, आपको बड़ा खुश देख रहे हैं लेकिन इनकी लाइफ में इतने शयापे है ना, शापे, कि क्या बताएं, इतने सैड हो रहे हैं. सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना. आपके पर्सन कभी कभी कोसते हैं कि इन्होंने आपसे प्यार क्यों किया, आप क्यों आए इनकी लाइफ में. 100 दर्द हैं 100 राहतें, सब मिला दिल नशे, एक तू ही नहीं. इस इंसान की लाइफ में सब कुछ है, दर्द भी है राहतें भी हैं, लेकिन आप नहीं हैं. तो फिर इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है इस इंसान की लाइफ में. अभी मैं देख लेती हूँ आपकी पर्सन की तरफ से सॉन्ग तो देख लिया. वैसे आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? वैसे मेरे जस्ट सामने एक मोर बैठा है, लेकिन बेचारा इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा. क्यों नहीं बोल रहा? कहीं आपकी पर्सन से तो नहीं मिल के आए? बेचारे की बोलती बंद हो गई. अरे 5 of swords, वाओ. पता है आपको क्या करना है? आपको अभी थोड़ा सा चालाक बनने की जरूरत है. हाँ, बैक स्टैबिंग का कार्ड नहीं है ये, इनको डिच नहीं करना है. आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, थोड़ा सा चालाकी से काम लीजिए. क्या करना है बताती हूँ, अभी मैं आपको चाणक्य की नीति सिखाती हूँ. देखिए, चाणक्य नीति का मतलब ये है, आपके पर्सन आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, राइट? तो आपको इजीली इनको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है. कि क्या करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, इनका कोई टेक्स्ट मैसेज आपको आता है या फिर कॉल आता है, तो मैं ऐसा नहीं कहती कि आप कॉल कट कर दो या फिर मैसेज का रिप्लाई ही ना दो, देखो ही नहीं. नहीं नहीं नहीं, देखो, सेम करो और रिप्लाई भी करो, लेकिन रिप्लाई ऐसा करो कि सामने वाला सस्पेंस में रह जाए कि मतलब आपके मन में चल क्या रहा है. अपने पर्सन को आपको सस्पेंस में रखना है. आपके पर्सन को, आपके पर्सन जो आपको लेके सीरियस हो रहा है ना, आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टीरियस हो रहे हो उनके लिए. कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है आप जानने के लिए आपके मन में चल क्या रहा है. अगर आप इजीली बता दोगे तो फिर ये इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत ऐसे ही जाएगी ना आपकी. आपने खुद पे काम किया, आपको कितना टाइम लगा, आपने ये साइलेंट होना कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद सीखा है, तो इसे ज़ाया ना होने दें. ऐसा नहीं है कि पर्सन के आते ही कचर पचर करना स्टार्ट कर दो. आपकी पर्सन बोले अरे ये तो वही है, मैं खामखा टेंशन ले रहा था, है ना, क्या टेंशन ले रही थी. नहीं, सस्पेंस में रखो. जवाब भी देना है और जवाब दे के भी जवाब नहीं देना है, समझ जाओ इसी बात का. चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं. जैसे मान लीजिए ये आपसे कहें, अरे आजकल याद नहीं करते हो, कहीं किसी और के साथ तो बिजी नहीं रहते. आपको एक जवाब देना है, हो भी सकता है. फिर ना तो आपने क्लियर जवाब दिया कि हाँ मैं हूँ बिजी किसी के साथ, ना आपने ये कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ बिजी. तो ये इंसान बस सोचते रह जाएगा, इस इंसान की तो पूरी रात सोचने में निकल जाएगी, रे ये इसका मतलब चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, मतलब अब मैं आगे क्या पूछूँ. होप आपको समझ में आ गया. थोड़ा सा मैं आपको दिमाग यूज़ करना सिखा रही हूँ. वैसे भगवान की दया से दिमाग तो सबके पास बराबर होता है, सबके पास होता है, लेकिन क्या है, स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं वो दिल से सोचती हैं. और मैं तो यही कहूँगी, लड़का लड़की कुछ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कनेक्शन को लेके,
कुछ ज़्यादा इमोशनल होता है, जिसकी फेमिनाइन साइड एक्टिव होती है, तो वो दिमाग यूज करता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, कोई भी कनेक्शन हो, चाहे कोई भी कनेक्शन, आपकी दिमाग, आपकी जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में होगी तभी वो कनेक्शन सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आपका, आपकी माइंड का, आपकी सोल का और आपकी ब्रेन का, इन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। ओके, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? नहीं आ गया, मुझे पता है बहुत समझदार हो आप, अपने पार्टनर की बिना कहे बातें समझ जाते हो। क्या मेरी, मैं इतना कुछ समझा रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा? हो ही नहीं सकता। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है? जय सिया राम।